तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे EHV AC/DC ट्रांसमिशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आज यहाँ पर 52 क्वेश्चंस हैं आपके जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बेटा, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना, और वीडियो में हर सब्जेक्ट पर बनाऊंगा। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर कर दें कुछ स्टूडेंट्स को। चलिएगा, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, बाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉस, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर हम लाइन वोल्टेज की वैल्यू को डबल कर दें और पावर को कांस्टेंट रख दें तो जो हमारी लाइन लॉस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिएगा, आपको पता है P इज इक्वल टू बेटा कितनी होती है, VI cos phi, ठीक है ना। पावर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पावर फैक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा, पावर फैक्टर इज कांस्टेंट। सो इसका मतलब हुआ VI इज इक्वल टू K। सो VI इज इक्वल टू K का मतलब हुआ कि V जो होगा आपका, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो V विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ वो कह रहा है द वोल्टेज इज डबल, सो वोल्टेज इज डबल, सो सपोज दिस इज 2V अपॉन V2 इज इक्वल टू, दिस इज I1 इज I एंड I2 इज सपोज I2, सो दिस इज 2V, सो V2V विल कैंसिल, सो I2 विल बी हाफ। जो करंट है आपकी I2 दैट इज इक्वल टू I/2, तो करंट क्या हो जाएगी आपकी हाफ हो जाएगी। और आपको पता है कि लॉस क्या होती है, P इज डायरेक्टली इज इक्वल टू I2R, ठीक है ना। तो जब हाफ हो रही है करंट तो आपकी जो लाइन लॉसेस हो जाएंगी, लाइन लॉसेस विल बी इक्वल टू I/2 into R। तो कितनी हो जाएगी बेटा, ये लाइन लॉस हो जाएगी आपकी P/4, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो हमारी जो पावर लॉस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रीफर्ड फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी। तो देखिएगा, जनरली हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी के लिए वो यूज करते हैं हम 3-phase 3-wire सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द मेन रीज़न फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। तो आपको पता है, अभी हमने देखा था कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो जो आपकी कॉपर लॉस है लाइन में वो क्या हो रही है, आपकी रिड्यूस हो रही है। तो कॉपर लॉस रिड्यूस होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो राइट आंसर इसका होगा रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट आजकल ट्रांसमिशन वोल्टेज है दैट इज 765 kV, इन पर हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका 765। देखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में अगर 765 kV नहीं देता है और आपको 400 kV देता है तो आप राइट आंसर लगा देंगे 400 kV। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मींस कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिएगा, वोल्टेज लेस देन 400 kV ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, वोल्टेज ग्रेटर देन 750 ये तो 750 ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 400-750 kV, याद रखिएगा, जो आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV की रेंज होगी वो होगा आपका 400 kV से 750 kV, दिस इज द रेंज ऑफ EHV। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर EHV ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरली
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है बंडल कंडक्टर का बेटा, वो होता है कोरोना लॉस को रिड्यूस करना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बंडल कंडक्टर में क्या होता है, आपका इफेक्टिव रेडियस क्या होगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। और जो इफेक्टिव रेडियस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, आर डैश विल बी ग्रेटर देन आर, इट मीन्स क्या होगा, आपकी कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ACSR कंडक्टर। ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, इसके सेंट्रल जो कंडक्टर होता है वो आपका क्या होता है, स्टील का होता है, ठीक है ना। और बाकी जो आपके सब कंडक्टर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ऑल कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो बेटा ये तो गलत है, क्योंकि सारे कंडक्टर एल्यूमिनियम के नहीं होते, सेंट्रल कंडक्टर हमारा स्टील का होता है रेनफोर्स्ड। आउटर कंडक्टर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो दिस ऑप्शन इज राइट, सारे आउटर कंडक्टर्स क्या होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे और सेंट्रल कंडक्टर आपका स्टील का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, HVDC ट्रांसमिशन नीड्स। HVDC में किसकी ज़रूरत होती है, देखिएगा तो सबसे मेन चीज़ होती है HVDC में, आपको मैंने बताया था पल्स कन्वर्टर, क्योंकि आपको पता है ये आपका कन्वर्टर स्टेशंस होते हैं, ठीक है ना। एक कन्वर्टर स्टेशन आपका ये है और एक आपका ये है, ठीक है ना। एंड फ्रॉम हेयर यू आर ट्रांसमिटिंग द पावर थ्रू DC सप्लाई, ठीक है। तो ये होता है आपका रेक्टिफायर और ये होता है आपका इन्वर्टर। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है HVDC की, दैट इज़ पल्स कन्वर्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्स कन्वर्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए DC लाइन कैरीज, तो DC लाइन क्या कैरी करती है, लेस पावर देन इक्वलेंट AC लाइन, ये तो गलत है, सेम पावर एज एन AC लाइन, ये भी गलत है, मोर पावर देन द AC लाइन्स। तो ध्यान रखिएगा जो DC लाइन्स हैं हमारी, दे कैरी द मोर पावर इन कंपेरिजन टू AC लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ HVDC सिस्टम देयर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और ये एग्जाम में आपका पूछा जाएगा कि जो HVDC सिस्टम होता है उसमें ना तो आपकी देखिएगा चार्जिंग करंट होती है, ना ही स्किन इफेक्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि DC के केस में क्या होगा, देखिएगा DC के केस में आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी जीरो, ठीक है ना। जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो देखिएगा इंडक्टेंस XL क्या होता है आपका ωL, तो इंडक्टेंस का तो रोल आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई इंडक्टेंस है ही नहीं, कोई रिएक्टेंस है ही नहीं। तो जब इंडक्टेंस नहीं है तो स्किन इफेक्ट आपका ख़त्म, ठीक है ना। दूसरा जो चार्जिंग करंट आपकी होती है IC इज इक्वल टू होती है कितनी, 2πfC×V, ठीक है ना। तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा नाइदर चार्जिंग करंट नॉर द स्किन इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी चूँकि जीरो है तो इंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए स्किन इफेक्ट नहीं होगा, और चूँकि फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो है तो चार्जिंग करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फॉर बल्क पावर ट्रांसमिशन, यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा बल्क में पावर ट्रांसमिट करनी है ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, HVDC सिस्टम इज, ठीक है ना। तो HVDC सिस्टम का हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये एक तो इकोनॉमिक होता है और दूसरा टेक्निकली सुपीरियर टू AC ट्रांसमिशन। सो ध्यान रखिएगा HVDC सिस्टम व्हेन वी हैव टू ट्रांसमिट ए बल्क पावर ऑफ ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, वी विल प्रीफर द HVDC सिस्टम बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल एज वेल एज टेक्निकली सुपीरियर टू AC ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग HVDC लाइन्स आर प्रीफर्ड एन अकाउंट ऑफ, ठीक है ना। तो दूसरा कारण क्या होता है, पहला कारण क्या बताया आपको, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, आपकी लाइन लॉसेस कम होंगी, ठीक है ना। तो लो कॉस्ट, देखिएगा कभी भी कॉस्ट आपकी लो नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी जो कॉस्ट होगी आपकी वो लो नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट कन्वर्टर की वजह से क्या होती है, HVDC की हाई होती है, ठीक है ना। नो हार्मोनिक प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है, HVDC में हमने हार्मोनिक पढ़े थे, AC साइड में आपके जो करंट ड्रॉ करता है ट्रांसफॉर्मर कन्वर्टर उसमें आपके AC हार्मोनिक्स होते हैं और DC साइड में आपके वोल्टेज हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्शन भी इतना सिंपल नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम लाइन पावर लॉस। तो जब मिनिमम लाइन पावर लॉस होंगी तभी सिस्टम क्या होगा आपका, इकोनॉमिक होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एज कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन इज़ फ्री फ्रॉम, ठीक है ना। तो आपको पता है कि डीसी के केस में बेटा एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, जीरो। तो जब एफिशिएंसी जीरो होगी तो ना ही आपका इंडक्टेंस होगा, ना ही कैपेसिटेंस होगा, ना ही आपका फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। मीन्स डीसी के केस में ना तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ना कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, और ना ही आपका फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट स्टेटिक कैपेसिटर्स हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ, जो हम स्टेटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, उनकी ड्रॉबैक्स क्या होती है। तो देखिएगा, शॉर्ट सर्विस लाइफ होती है, बिल्कुल सही है। गेटिंग डैमेज बाय हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से ये डैमेज हो सकता है, और नॉट रिपेयरेबल, चूँकि स्टेटिक कैपेसिटर हैं आपके तो रिपेयरेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट स्टेटिक कैपेसिटर्स हैव द एडवांटेजेस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डोंट बी कन्फ्यूज। इन द प्रीवियस क्वेश्चन ही हैज़ आस्क्ड द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेटिक कैपेसिटर, बट इन दिस क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्टेटिक कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट एडवांटेज इज स्मॉल लॉसेस, बिकॉज दीज आर स्टेटिक, दैट्स वाई दीज डोंट हैव द रोटेशनल लॉसेस। तो स्मॉल लॉसेस, ईजी इंस्टॉलेशन, बिल्कुल सही है, लो इनिशियल कॉस्ट एंड लिटिल मेंटेनेंस। इसका मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्टेटिक कैपेसिटर्स आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ, देखिएगा स्टेटिक कैपेसिटर्स आर द सोर्सेज ऑफ रिएक्टिव पावर एंड यू नो द रिएक्टिव पावर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ KVAR। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, KVAR। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए कंज्यूमर मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज। अब देखिएगा स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, लीडिंग पर निशान लगाते हैं। लीडिंग नहीं, देखिएगा कम पावर फैक्टर आपका लीडिंग भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमेशा जो हमारा जनरल पावर फैक्टर होता है वो होता है बेटा 0.85 से 0.95, और कैसा होना चाहिए, लैगिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ओइंग टू स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। तो स्किन इफेक्ट के बारे में हमें बताना है, क्या होता है स्किन इफेक्ट में। तो आपको पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखिएगा बेटा ये कंडक्टर है अगर मान लिया, ठीक है, ये सेंटर है कंडक्टर का और ये सरफेस है। तो क्या होता है स्किन इफेक्ट में, ड्यू टू डिफरेंट लाइन रिएक्टेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो कंडक्टर के थ्रू करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जो सरफेस होता है, सरफेस पर आपका ज़्यादा करंट फ्लो होती है जिससे करंट डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं करंट डेंसिटी हमारी कम होती चली जाती है, ये कहलाता है आपका स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है करंट फ्लोस थ्रू द हाफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर टू द सरफेस कैरीज मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरीज लेस करंट, यही क्या होता है हमारा स्किन इफेक्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑप्शन बहुत मिले जुले आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन ACSR, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर्स, द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर। तो मैंने बताया था देखिएगा सेंट्रल कंडक्टर कैसा होता है आपका, स्टील का होता है, और उसके चारों तरफ जो कंडक्टर होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ये कंडक्टर आपके एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एल्यूमिनियम एंड स्टील रेनफोर्स्ड इनके बीच इंसुलेशन क्या होता है। तो देखिएगा पहली बात तो हम जो स्टील कंडक्टर है और स्टील कंडक्टर के ऊपर जो आपके एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं उनके बीच बेटा कोई इंसुलेशन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा नो इंसुलेशन इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, एक कंडक्टर ड्यू टू सैग
बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक द फॉर्म ऑफ। तो आपको पता है कि अगर मान लिया आपके पास ये दो पोल हैं, अगर आपके पास ये दो पोल हैं और आपने इन दोनों के बीच एक कंडक्टर को हैंग किया है, तो बेटा जो कंडक्टर की शेप बनती है वो कैसी बनती है, इसको हम बोलते हैं कैटेनरी कर्व। तो आपने मैकेनिकल डिज़ाइन में पढ़ा होगा जो शेप होती है हमारी कंडक्टर की, दैट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइक दैट, दैट इज़ लाइक दैट। तो दिस शेप क्या कहलाती है आपकी, कैटेनरी कर्व, इसी को बोलते हैं कैटेनरी शेप। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैटेनरी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द रेगुलेशन इज कंसिडर्ड बेस्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा रेगुलेशन का मतलब यहाँ किससे कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन से, और वोल्टेज रेगुलेशन का बेटा सीधा सीधा इंडिकेशन होता है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप आपके कम होने चाहिए कि ज़्यादा, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होने चाहिए आपके, कम होने चाहिए। तो जितना आपका रेगुलेशन कम होगा उतना ही वो बेस्ट रेगुलेशन होगा। तो देखिएगा यहाँ देखा 50%, 50% का मतलब है कि 50% वोल्टेज आपके ड्रॉप हो गए, ठीक है। सपोज 100 kV आप वोल्टेज पर ट्रांसमिशन कर रहे हो तो रिसीविंग एंड पर आपको केवल 50 kV मिल रहे हैं, तो 50% ड्रॉप हो गए हैं। तो इट इज़ नॉट द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, द बेस्ट रेगुलेशन विल बी मिनिमम, सो मिनिमम इज़ 2%। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स शुड द लाइन सपोर्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स पोजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स शुड द लाइन सपोर्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन पोजेस। मतलब जो लाइन सपोर्ट्स होते हैं उनकी कौन सी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो देखिएगा पहली करेक्टरिस्टिक है लो कॉस्ट, ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए हमें लो कॉस्ट तो चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, चूँकि दो सपोर्ट के बीच आप क्या करते हो वायर को हैंग करते हो, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होनी चाहिए, लाइफ भी लॉन्गर होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर्ड कंडक्टर इज। तो जो हमारा स्टील कोर्ड कंडक्टर होते हैं उनमें किस तरह की स्टील हम यूज करते हैं। तो पहला है अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील एंड हाई स्पीड स्टील। तो ध्यान रखिएगा जो स्टील हम यूज करते हैं वो होती है हमारी माइल्ड स्टील, द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर्ड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, इन HVDC ट्रांसमिशन देयर आर प्रीडोमिनेंट। तो HVDC में क्या प्रीडोमिनेंट आपके होते हैं। देखिएगा इसने घुमा के क्वेश्चन को पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, देखिएगा हार्मोनिक्स की, और एक बात कर रहा है ये करंट हार्मोनिक की, करंट हार्मोनिक, और एक बात कर रहा है वोल्टेज हार्मोनिक, वोल्टेज हार्मोनिक। तो ध्यान रखिएगा मैंने बताया था जो करंट हार्मोनिक होते हैं आपके वो AC साइड होते हैं, जहाँ से आप कन्वर्टर को सप्लाई दे रहे हैं, तो कन्वर्टर जो भी करंट आपका ड्रॉ करता है दैट इज़ नॉट प्योर साइनसॉइडल, दैट इज़ लाइक रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर करंट हार्मोनिक आपके कहाँ होते हैं, AC साइड में, और DC साइड में कौन से होते हैं आपके, वोल्टेज हार्मोनिक, क्योंकि जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो भी प्योर साइनसॉइडल नहीं मिल रहे हैं, तो वोल्टेज हार्मोनिक कहाँ मिलेंगे आपको, DC साइड में। सो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन DC साइड एंड करंट हार्मोनिक्स ऑन AC साइड ऑफ द कन्वर्टर, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ऑल द ऑप्शंस आर सेम नियर अबाउट करंट हार्मोनिक्स ऑन DC साइड एंड वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन AC साइड, सो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा सारे ऑप्शंस एक से लगते हैं, तो वोल्टेज हार्मोनिक्स आपके DC साइड में होंगे और करंट हार्मोनिक्स आपके AC साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स ऑन AC साइड ऑफ एन HVDC ट्रांसमिशन लाइन, कि जो AC साइड हमारे करंट हार्मोनिक है उनको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड, देखिएगा सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ये किसके लिए यूज करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। शंट कैपेसिटर भी क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। स्टेटिक कंपनसेटर भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, शंट फिल्टर, ठीक है ना। तो संट LC फिल्टर्स का हम यूज करते हैं, संट LC फिल्टर का हम यूज करते हैं करंट हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26, बैक टू बैक हाई वोल्टेज DC इज यूज्ड।
तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो बैक टू बैक कनेक्शन हम यूज़ करते हैं या बैक टू बैक सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्टेबल इंटरकनेक्शन बिटवीन टू एसी सिस्टम्स, ठीक है ना। जब किन्हीं दो एसी सिस्टम को हमें इंटरकनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, बैक टू बैक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, टू प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन बिटवीन टू एसी सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाई वोल्टेज डीसी मोनोपोलर लिंक यूज। देखिएगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे तीन तरह के लिंक पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा मोनोपोलर, बाईपोलर एंड होमोपोलर, ठीक है। तो मोनोपोलर में देखिएगा बेटा, एक ही कंडक्टर आपका होता है और ये पोल कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। और जो रिटर्न के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्थ का यूज करते हैं या सी रिटर्न का यूज करते हैं। तो देखिएगा, मोनोपोलर में एक ही कंडक्टर होता है आपका, वन कंडक्टर यूजुअली ऑफ निगेटिव पोलरिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वन कंडक्टर यूजुअली ऑफ पॉजिटिव पोलरिटी कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। टू कंडक्टर का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा आपका वन कंडक्टर यूजुअली ऑफ निगेटिव पोलरिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द मेथड यूज टू इम्प्लीमेंट एन एसिंक्रोनस लिंक इज। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो हमारे एसी सिस्टम होते हैं इनको हमें स्टेबल इंटरकनेक्शन इनके बीच प्रोवाइड करना होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंक्रोनाइज्ड हों, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं एसिंक्रोनस लिंक, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जनरली बैक टू बैक कनेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब दो एसी सिस्टम जो कि एसिंक्रोनस सिस्टम है उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बैक टू बैक का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डीसी, बैक टू बैक कनेक्टेड कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ ए बाईपोलर लाइन इज अप्रोक्सीमेटली। कि जो बाईपोलर लाइन होती है हमारी, उसकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी आपकी थ्री फेज सिंगल सर्किट लाइन पावर कैरी कर सकती है, उतनी ही पावर आपकी बाईपोलर डीसी लाइन कैरी कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सेम एज दैट थ्री फेज सिंगल सर्किट लाइन। क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट करेक्ट। देखिएगा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि जो चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से एचवीडीसी के रेस्पेक्ट में कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ बाईपोलर लाइन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सिंगल सर्किट एसी लाइन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी देखिएगा, एचवीडीसी लिंक कैन बी ऑपरेट बिटवीन एसी सिस्टम हुज फ्रीक्वेंसी नीड नॉट टू बी इक्वल। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दो एसी सिस्टम आपके एसिंक्रोनस टाइम में है, ठीक है ना, तो उनको भी ये स्टेबल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। देयर इज़ नो डिस्टेंस लिमिटेशन फॉर एचवीडीसी ट्रांसमिशन बाय अंडरग्राउंड केबल। ये भी बिल्कुल सही है। कोरोना लॉस इज मच हायर इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि हायर नहीं होती है एचवीडीसी में, जो आपकी कोरोना लॉस होती है वो एसी के कंपेरिजन में लो होती है। तो वो कह रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हाई वोल्टेज डीसी एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमें बल्क अमाउंट ऑफ पावर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करना है तो हम एचवीडीसी सिस्टम का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टू ट्रांसमिट बल्क पावर ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड टू बी ऑपरेटेड इन सिंक्रोनिज्म। ये तो गलत है, ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन में ज़रूरी नहीं है कि दो आपके एसी जो इंटरकनेक्टर सिस्टम है उनके बीच सिंक्रोनस टाई हो, अलग फ्रीक्वेंसी पर भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेज आर ग्रेटर देन। अब देखिएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इफेक्ट तो होता ही नहीं डीसी के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव
एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। ये बिल्कुल सही है, डीसी के केस में ना तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना ही आपका कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इन एचवीडीसी सिस्टम, जो एचवीडीसी सिस्टम है, पहला ऑप्शन दे रहा है वो बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डीसी, ठीक है, जनरेशन इज एसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डीसी, जनरेशन इज डीसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एसी, बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर एसी। बिल्कुल सही है, देखिएगा एचवीडीसी में क्या है, आपके पास जो जनरेशन है वो एसी तो है, उसके बाद आप बेटा कन्वर्टर का यूज करते हो, यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं आप, कन्वर्टर का, ठीक है ना, उसके बाद आप ट्रांसमिट कर रहे हो पावर को, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, एक इन्वर्टर लगा दिया, ये इन्वर्टर है, और फिर यहाँ पर क्या मिल रहा आपको, एसी मिल रहा। तो देखिएगा बोथ द जनरेशन, यहाँ पर आपका जनरेशन है और यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों किस में है आपके, एसी में है। तो डोंट बी कन्फ्यूज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना जो दोनों, केवल आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो डीसी में हो रहा है, जबकि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, एसी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, इनमें से कौन सा आपका डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज नहीं है, नो चार्जिंग करंट ये तो है, नो स्किन इफेक्ट ये भी है, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ये भी है, ये तीनों तो एडवांटेज हैं। चीप कन्वर्टर, देखिएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा है, देखिएगा एचवीडीसी सिस्टम आपका कॉस्टली होता है ड्यू टू कन्वर्टर स्टेशन, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ 2280 मेगावाट इज प्रोवाइडेड विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन ऑफ 30%, देन द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ कंपनसेटेड ट्रांसमिशन लाइन विल बी इक्वल टू। तो देखिएगा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो आपकी SIL होती है, SIL कंपनसेटेड इज इक्वल टू होती है SIL विदाउट कंपनसेटेड इनटू 1/√1 - K सीरीज। K सीरीज क्या होता है आपका, कितने परसेंट से आप सीरीज कंपनसेशन कर रहे हो, तो अगर इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, विदाउट कंपनसेशन कितना है 2280 इनटू 1/√ कितना हो जाएगा 1 - 0.30। तो जब इसकी कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 2725 मेगावाट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इसको आप, मैं बाद में कमेंट बॉक्स में भेजता हूँ कि ये क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 37 में वो कह रहा है, एट एन इंडिविजुअल सब स्टेशन विद मेगावाट लोड ए कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड टू मेंटेन द लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.97 लैगिंग, इफ द कैपेसिटर गोज आउट ऑफ द सर्विस द लोड पावर फैक्टर बिकम्स, ठीक है ना। तो पहले एक हमने 2 MVAR का लोड था हमारा, ठीक है ना, पावर फैक्टर को हमने इम्प्रूव कर रखा था कितना, 0.97 से, तो अब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, अगर दो कैपेसिटर जो लगे हुए थे इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप लोगों को ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KVR रिक्वायर्ड, KVR
रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है पी इंटू टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। टेन फाई वन होता है बेटा पहला पावर फैक्टर, ठीक है ना। टेन फाई वन क्या होता है आपका, पहला पावर फैक्टर होता है। तो के वी आर आपको दे रखा है, ठीक है ना। पी कैलकुलेट कर लेना, टेन फाई वन कितना है आपका, यहाँ से कॉस फाई वन कितना दे रखा है आपको, कॉस फाई वन आपको दे रखा है कितना, 0.97। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, फाई वन की। तो यहाँ से टेन फाई वन आप निकाल लेना, टेन फाई वन कितना है। तो यहाँ से आप टेन फाई टू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टेन फाई टू की वैल्यू से फाई टू कैलकुलेट कर लेना और कॉस फाई टू कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.80 लैगिंग, ठीक है ना। एम वी आर आपको दे रखा है कितना, एम वी आर दे रखा है 2.97 से मल्टीप्लाई कर लोगे क्या मिल जाएगा आपको, पावर, ठीक है ना। तो के वी आर, 2 KVR को एम वी आर इंटू कितनी कर लोगे, 10^3 कर लोगे के वी आर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको 0.97 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पी मिल जाएगी। टेन फाई वन आपके पास है, टेन फाई टू आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.80 लैगिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन फॉर UHV लाइन अबव 500 KV इज डन बेस्ड ऑन, UHV का मतलब होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है ना। तो देखिएगा ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम इंसुलेशन डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो EHVAC लाइन हो या UHVAC लाइन हो, जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है हमारा स्विचिंग ओवर वोल्टेजेज, ठीक है ना। किसको ध्यान में रखकर डिज़ाइन करते हैं, स्विचिंग ओवर वोल्टेजेज को। तो ध्यान रखिएगा ना तो लाइटनिंग सर्जेज होते हैं, ना ही आपके लाइटनिंग सर्जेज एंड स्विचिंग सर्जेज, मेन किसके बेस पर हम डिज़ाइन करते हैं, स्विचिंग सर्जेज या स्विचिंग वोल्टेजेज। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, शंट रिएक्टर्स आर समटाइम्स यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आपको पता है बेटा, एक तो हम शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं और शंट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। शंट रिएक्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब लाइन वोल्टेज हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइट लोड की कंडीशन में क्या होंगे, आपके लाइन वोल्टेज आपके बढ़ जाएंगे, तो उनको ड्रॉप कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शंट रिएक्टर का। हैवी लोड की कंडीशन में जब हमारे वोल्टेज कम मिलते हैं हमें रिसीविंग एंड पर, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को स्विच करा देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारे वोल्टेज इम्प्रूव हो जाते हैं। तो दोनों का, शंट रिएक्टर और शंट कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है, वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करना। लेकिन शंट रिएक्टर का कब, अंडर लाइट लोड कंडीशन, और शंट कैपेसिटर का कब, अंडर हैवी लोड कंडीशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, टू लिमिट ओवर वोल्टेजेज एट द लोड साइड अंडर लाइटली लोडेड कंडीशन, इट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द मोस्ट एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल मेथड ऑफ अचीविंग रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज यूजिंग, ठीक है ना, कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो स्विच कैपेसिटर नहीं होता ये, फिक्स कैपेसिटर विद कंट्रोल रिएक्टर ये भी नहीं होता, सैचुरेबल रिएक्टर विद कैपेसिटर बैंक। देखिएगा सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है आपका स्विच्ड कैपेसिटर विद कंट्रोल्ड रिएक्टर, ठीक है ना, स्विच्ड कैपेसिटर विद कंट्रोल्ड रिएक्टर। यानी जब चाहे आप कैपेसिटर को स्विच कर सकते हो और जो रिएक्टर लगा है आपका उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंट कंपनसेशन इन एन EHV लाइन इज यूज टू इम्प्रूव। तो मैंने आपको बताया था कि जो शंट कंपनसेशन हम यूज़ करते हैं, आइदर शंट रिएक्टर और शंट कैपेसिटर, इन दोनों का क्या काम होता है, टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी, ठीक है ना। फॉल्ट लेवल का इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, फॉल्ट लेवल एंड वोल्टेज प्रोफाइल ये कर देते हैं, जबकि पहला क्या होना चाहिए आपका, वोल्टेज प्रोफाइल। तो राइट आंसर होगा वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सीरीज कैपेसिटर्स
कैन बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। देखिएगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ कन्फ्यूजन इन सीरीज कैपेसिटर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर्स। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, सीरीज कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों करते हैं और ट्रांसमिशन में क्यों करते हैं। तो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं टू प्रोवाइड द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सीरीज कैपेसिटर का। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा और क्या क्या एडवांटेज होता है सीरीज कैपेसिटर का। देखिएगा लाइन का रिएक्टेंस मान लिया कितना है आपके पास x है, एक सीरीज में आपने कैपेसिटर लगा दिया सपोज कितना है आपका xc, तो देखिएगा ये आपका पॉजिटिव होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आपका नेगेटिव होता है, तो नेट रिएक्टेंस क्या होगा आपका, सॉरी दिस इज x माइनस xc, तो नेट रिएक्टेंस बेटा क्या हो जाता है लाइन में आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है वोल्टेज ड्रॉप को भी कम करता है, जो रिएक्टेंस में आपका वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसको भी कम करता है और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। अब देखते हैं, तो सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड। देखिएगा अब ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन में किसके लिए यूज करते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, और ट्रांसमिशन में क्यों करते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है पीई, दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, दिस इज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। अब देखिएगा जो आपका एक्स है, x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका x माइनस xc, तो x की वैल्यू बेटा क्या हो रही है आपकी रिड्यूस हो रही है। जब आपकी x की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या है आपकी, ये स्टेबिलिटी लिमिट ही तो है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या है आपकी, स्टेबिलिटी लिमिट है, तो इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। तो कहीं कहीं ऑप्शन क्या दे देता है आपको, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, कहीं कहीं क्या दे देता है स्टेबिलिटी को ही दूसरे वर्ड में वो लिख देता है टू इम्प्रूव द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है वही क्या होती है आपकी, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सीरीज कैपेसिटर इज यूज्ड इन ए ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिएगा फिर पूछ लिया इसने, तो ट्रांसमिशन लाइन में देखिएगा कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है कंपनसेट करता है, रिड्यूस लाइन लॉस। देखिएगा लाइन लॉस से कोई मतलब नहीं क्योंकि रिएक्टेंस ही तो कम हो रहा है, तो रिएक्टेंस में क्या होगा आपका लॉस थोड़ी होंगी, लॉस तो किस में होती है आपकी रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर, तो लॉस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को क्या कर रहा है ये कंपनसेट कर रहा है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। 45 देखिएगा, ऑन व्हाट बेसिस द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डिसाइडेड। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, वहाँ पर कितने के लिए आया था ये 500 kV, क्या कहा था वहाँ पर UHV कहा था, यहाँ क्या कह रहा है EHV कह रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का बेस एक ही होता है, और बेस मैंने क्या बताया था कि जब भी इंसुलेशन हम डिज़ाइन करते हैं या तो EHV AC का या UHV AC का, द बेस होता है हमारा क्या, स्विचिंग ओवर वोल्टेजेज या स्विचिंग सर्जेज। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, द कंडक्टर ऑफ एन EHV लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो कंडक्टर किस बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं। अभी इंसुलेशन की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है कंडक्टर की। देखिएगा अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका बेटा फीडर, एक होता है फीडर, तो फीडर में जो हम कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। ध्यान रखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, अब ये लेकिन किसकी बात कर रहा है, ये EHV लाइन की बात कर रहा है ना कि फीडर की। तो देखिएगा EHV लाइन में जो हम कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं उनका जो बेस होता है वो होता है कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस परफॉर्मेंस, इसीलिए आपने देखा कि बंडल कंडक्टर हम यूज करते हैं। जबकि अगर मैं फीडर की बात करूं तो फीडर में जो हम कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं वो उनका बेसिस क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, कि कितनी करंट वो कैरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंडक्टिव इंटरफेरेंस टू पैरेलल कम्युनिकेशन सर्किट्स टू द मिनिमम। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि अगर इंटरफेरेंस हमें कम करना है, मिनिमम करना है
विद पैरेलल कम्युनिकेशन सर्किट तो क्या होना चाहिए? द कंडक्टर्स आर ट्रांसपोज्ड, बिल्कुल सही है। क्या करते हैं हम, रेगुलर इंटरवल पर कंडक्टर्स को ट्रांसपोज करते हैं। सेकंड, बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। थिक कंडक्टर्स आर यूज्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी, या तो ट्रांसपोजिशन करेंगे जहाँ पर हम बंडलिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर बंडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोजिशन का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में कह रहा है द बूस्टर इज इंजर्टेड इन द सर्किट टू। देखिएगा बूस्टर क्या होता है, एक आपका ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो आपने पढ़ा होगा कि हर एक 50 किलोमीटर पर ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट सब स्टेशन बनाते हैं, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, जिस पर हम क्या करते हैं, कंपनसेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस इंटरमीडिएट सब स्टेशन पर अब देखिएगा, चूंकि 50 किलोमीटर पर क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और इसका काम होता है कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बूस्टर इज इंजर्टेड इन टू द सर्किट टू कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट देखिएगा बूस्टर क्या होता है, ठीक है, बूस्टर क्या होता है। अब देखिएगा बेटा, बूस्टर एक ट्रांसफार्मर भी होता है और बूस्टर आपका जनरेटर भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वो ट्रांसफार्मर की देखिएगा, यहाँ तो जनरल बूस्टर की बात कर रहा था, तो बूस्टर क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, और बूस्टर क्या होता है, आपका जनरेटर भी होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक सीरीज जनरेटर को, हम ये हमारा एक सीरीज जनरेटर होता है, इसको इंस्टॉल करते हैं वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि बूस्टर में कौन सा हम जनरेटर यूज करते हैं, ये आपका जनरेटर है, तो ये होता है आपका सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर, ठीक है ना। और सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में, तो इसको बेटा कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो बूस्टर इज ए सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर ड्राइवन बाय डीसी शंट मोटर, ठीक है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बूस्टर इज ए लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर, ठीक है, जो सीरीज जनरेटर होता है वो कैसा होता है, आपका लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर होता है, ऑपरेटिंग ऑन स्ट्रेट और लीनियर पोर्शन ऑफ इट्स वी आई करेक्टरिस्टिक। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो राइट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इन एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो ACSR कंडक्टर होते हैं, स्टील का एक हम कंडक्टर प्रोवाइड कराते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेयर देते हैं किसकी, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स की, लाइक दैट, ये एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो स्टील क्यों डालते हैं हम, स्टील का कंडक्टर इसलिए यूज करते हैं जिससे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ध्यान रखना, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, इन कंडक्टर ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम, ठीक है ना, जो कंडक्टर होता है उसका वोल्टेज ग्रेडियंट कहाँ पर होता है। तो देखिएगा सरफेस पर आपका वोल्टेज ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सरफेस। तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा वोल्टेज ग्रेडियंट का, वहाँ से जब आपकी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है, कंडक्टर रेडियस के बराबर हो जाती है, टी इज इक्वल टू आर, तब आपका मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 52, बूस्टर ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड एट। तो बूस्टर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या जनरेटर होता है, उसको कहाँ हम यूज करते हैं। तो देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा ये था आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के बहुत ही 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बेटा अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे
कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा फीडबैक आपका कि आपको ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो भी आपके जल्दी अपलोड होते रहेंगे। तो देखिएगा, हमने कवर कर ली है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा वो होगा यूनिट नंबर 3 पर, यूनिट नंबर 3 पर। तो बहुत जल्दी आपको 3 या 4 दिन में 5 के 5 वीडियो इस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पर भी वीडियो चाहिए, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।